गुड न्यूज़ मिली 3-4 दिन पहले, दैट इज कि अमृत उद्यान दोबारा से खुल चुका है, वो भी मॉनसून सीजन में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज हम जा रहे हैं अमृत उद्यान को एक्सप्लोर करने। एंड जिसको ये नहीं पता अमृत उद्यान है क्या, मुगल गार्डन का जो नाम है वो चेंज होकर अमृत उद्यान हो गया था अभी रिसेंटली, तो हम जब तो नहीं जा पाए बट हम अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं मानसून में वहाँ पे क्या ऐसा सीन होता है, सीन होता है, पर हमें क्या दिखने वाला है वहाँ पे। तो चलो चलते हैं जल्दी से, हम पहुँचते हैं अमृत उद्यान, एक्सप्लोर करते हैं पूरा अमृत उद्यान। तो मेट्रो के गेट नंबर 4 से आपको एग्जिट लेनी है, हम 2 बार चक्कर मार चुके हैं, 4 ही पास पड़ेगा। और यहाँ पे ना सब लोग बोल रहे हैं कि पर पर्सन 30 रुपीज़ लगेंगे रिक्शा में, बार्गेनिंग करते हैं, चलो देखते हैं होता है तो ठीक है, 30 में जाएंगे तो आपको यही प्राइस मिलेगा, और अगर बिना शेयरिंग का ऑटो लेते हो तो आपको मिलेंगे 100-150 रुपये। तो चलो हम पहुँचते हैं अमृत उद्यान। फाइनली 3 Z+ सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद हम एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पे आपका बैग चेक होगा, बता चुके हैं कि वो सिक्योरिटी वाला स्टिकर लगेगा, और पानी लेके जा सकते हो, पानी लेके जा सकते हो, खाना लेकर नहीं जा सकते हो, ऐसे बैग लेके जा सकते हो, बड़े बैग नहीं ले जा सकते हो, आपको जमा कराने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे आपको बेबी केयर, फर्स्ट एड, मेडिकल सब कुछ फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो आगे चलते हैं। अमृत उद्यान 3 से 4 गार्डन्स के बीच में डिवाइडेड है और हमने एक एक करके सारे लॉन्स एक्सप्लोर किए। तो एंट्री लेते ही आपको सबसे पहला पार्क जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है बाल वाटिका, यानी चिल्ड्रंस पार्क, और ये यहाँ पे अभी रिसेंटली नया खुला है रेनोवेट होने के बाद। तो चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले चिल्ड्रंस पार्क पे एक्सप्लोर करते हैं। चिल्ड्रंस पार्क का सबसे मेजर अट्रैक्शन था यहाँ पे बना हुआ बहुत ही क्यूट सा ट्री हाउस, एंड बाकी बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे झूले भी थे जिस पे बच्चे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो चिल्ड्रंस पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट गार्डन को एक्सप्लोर करने, जो था हर्बल गार्डन। बहुत गर्मी है, सबसे पहला अपडेट बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक सुबह ना बारिश हुई थी बट हमें लगा था अच्छा मौसम होगा, लेकिन बहुत गंदी धूप है, जल चुके हैं, एंड भीड़ भी बहुत है। बिकॉज सैटरडे है तो वीकडेज में आना, मंडे को ये जगह बंद रहती है, एक अपडेट। हाँ, एंड 5 बजे तक ही खुलती है ये जगह, सुबह 9:30 से शाम को 5 बजे तक, और नेशनल हॉलीडेज पे भी बंद रहती है ये जगह। हाँ, तो चलो हमारे साथ आगे एक्सप्लोर करो। बट ये सारे जो प्लांट्स हैं छोटे प्लांट्स हैं, इनकी हाइट सिर्फ इतनी रहती है, इससे कभी ऊपर नहीं बढ़ते। सो दे आर प्रिटी। तो यहाँ पे आपको ऐसे QR कोड मिल जाएंगे जिसपे आपको प्लांट या पौधे का नाम भी दिख जाएगा, और फिर आप स्कैन करके इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सुंदरता के मामले में अमृत उद्यान बहुत ही अच्छी जगह है, वो कहते हैं ना जेंजी लैंग्वेज में एकदम एस्थेटिक प्लेस है। तो अमृत उद्यान घूमने के बाद हम आए यहाँ का फूड कोर्ट एक्सप्लोर करने,
एंड खाने का तो नहीं पता नहीं, पर पानी की बहुत ज़रूरत है मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे पानी की बॉटल अपनी ज़रूर कैरी करके लाना, बहुत गर्मी है और मौसम के हालात देख कर आना। सही में तो चलो आगे चलते हैं। हमारा टूर अमृत उद्यान का, एंड हमने पूरा अमृत उद्यान घूमा और यहाँ पे आपको 2 से 3 पार्क मिल सकते हैं। आपको अंदर ही अंदर आप घूम लोगे, आपको कोई भटकने की डर नहीं है यहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी वाटर बॉटल जरूर कैरी करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप अभी इस महीने के बीच में आ रहे हो। एंड छाता भी कैरी कर सकते हैं आप अंदर। एंड इसके अलावा जो हमने बता चुके कि बैकपैक्स अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड है, चेकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिकट वो यहाँ की बिल्कुल फ्री है, तो आपको टिकट की कोई टेंशन नहीं है। पार्क बहुत सुंदर है, मौसम अच्छा हो तो ज़रूर आए यहाँ पे। बाकी ये था हमारी आज की वीडियो, अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में थोड़ा प्यार बरसाइए। बिल्कुल, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, बाय।